वेलकम बैक माय लवली व्यूअर्स, आपकी दोस्त शीन आ चुकी है जुरासिक वुड फॉसिल पार्क एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस फॉसिल पार्क के बारे में। ये फॉसिल पार्क बना है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, जहां पहुंचने का रास्ता हेवन रोड से होकर आता है। यहां पर ही स्थित है धोलावीरा और धोलावीरा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये फॉसिल पार्क। अभी हम लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस धोलावीरा से कवर कर चुके हैं और जहां पर अभी हम खड़े हैं वहां से लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस और शो कर रहा है। ये देखिए, मैं आपको बोर्ड पर दिखाती हूं। यहां पर लिखा हुआ है फॉसिल पार्क 2 किलोमीटर। यहां से जो रास्ता हमें दिखाई दे रहा है वो चारों तरफ कच्चा है, तो लगता है अभी हमें कच्चे रास्ते से होकर ही अपने फॉसिल पार्क पर पहुँचना है। और ये हम अभी पहुँच चुके हैं फॉसिल पार्क के एंट्री गेट में। ये जगह गुजरात स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है और अभी यहाँ पर जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। रास्ते में हमें यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के स्टैचू भी दिखाई दिए जो कि डायनासोर के हैं और काफ़ी सारे अलग अलग एनिमल्स के दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, एक और हमें डायनासोर का यहाँ पर स्टैचू दिखाई दिया। ये एक और स्टैचू हमें डायनासोर का दिखाई दिया यहाँ पर। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने पार्किंग एरिया में। ये यहाँ पर पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर पत्थर दिखाई दे रहे हैं वो सारे ही पत्थर लगभग करोड़ों साल पुराने हैं। ये जगह जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ये रन ऑफ कच्छ का ही एरिया है। यहाँ पर हुए खोज और संशोधन के दौरान ये तर्क निकलकर सामने आया कि यहाँ पर जुरासिक काल में हो सकता है कि असामान्य या भयानक बाढ़ या सुनामी या ज्वालामुखी विस्फोट, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई हों जिसके कारण यहाँ पर उपस्थित वनस्पति जीव जंतु सभी समुद्र के अंदर समा गए और एक लंबे समय तक पानी के नीचे रहने के कारण हीट प्रेशर और केमिकल एक्टिवेशन के कारण उन्होंने बदल दिया अपना रूप और रॉक्स बन गए मेटामॉर्फिक रॉक। साथ ही साथ उस समय की वनस्पति में कुछ वनस्पतियों ने बदल दिया अपना रूप केमिकल एक्टिवेशन के कारण और उनकी जो जड़ें वहां रह गई थी, जो ज़मीन में गड़ी हुई थी, वो बदल गई एक पत्थर के रूप में और वही आज हम यहां देखने आए हैं। तो चलिए चलते हैं और उन अवशेषों को देखते हैं जो वाकई ही आज बदल चुकी हैं लकड़ी से एक पत्थर के रूप में और जिन्हें हम आज जानते हैं वुडन फॉसिल के नाम से। तो ये है यहाँ पर पहला फॉसिल जो हमने यहाँ पर देखा। जैसा कि नाम से ही लगता है कि हम यहाँ फॉसिल पार्क में आए हैं, जिसका अर्थ अगर हिंदी में देखें तो फॉसिल का जीवाश्म होता है और इस जीवाश्म का मतलब है कि खोदकर प्राप्त की गई वस्तु जो हमारे पास्ट के बारे में खोज के दौरान बहुत कुछ बयान करती है और प्रकट करती है हमारे सामने हमारे पूर्वजों बीते समय और प्रकृति के छुपे हुए राजों को। ये था यहाँ पर मिला हुआ पहला फॉसिल जो कि यहाँ संरक्षित किया गया है। इसके अलावा चलते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं वहाँ पर कौन से फॉसिल्स हैं।
अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा फॉसिल जो यहाँ पर संरक्षित किया गया है। अगर वुडन फॉसिल की बात करते हैं तो तीन तरह के वुडन फॉसिल्स होते हैं, पेट्रीफाइड वुड, ममीफाइड वुड एंड सबमर्स फॉरेस्ट वुड। और यहाँ पर हुई खोज के दौरान ये पता चला कि जो हम अभी वुडन फॉसिल्स यहाँ पर देख रहे हैं ये पाडोकापसी परिवार के जिम्नोस्पर्म के पेड़ की एक विशाल आकार की लकड़ी थी जो लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण हीट प्रेशर और केमिकल एक्टिवेशन की वजह से पत्थर के रूप में बदल चुकी हैं और यहाँ पर ये विशाल के चट्टानों के रूप में पाई गई। ये वुडन फॉसिल्स देखने में बहुत ही विशाल दिखाई देते हैं और इनके आकार की बात करें तो लगभग 7 से 10 मीटर और व्यास में 1.5 मीटर के लगभग होंगे। तो ये थे यहाँ पर वुडन फॉसिल्स जो यहाँ संरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ लगी, यहाँ का व्यू, चारों तरफ की सराउंडिंग बहुत ही सुंदर है। चलिए एक बार आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाते हैं। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. ये सामने आपको जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है ये है वही जगह जिसको आप जानते हैं सफ़ेद नमक का रेगिस्तान, वाइट रन ऑफ कच्छ। इस जगह को और भी सुंदर बनाते हैं विंटर्स में आने वाले माइग्रेटरी बर्ड जो कि हैं फ्लेमिंगोस। फ्लेमिंगोस यहाँ पर पूरे एक ग्रुप में आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस जगह को जब भी विजिट करें तो कोशिश करें कि आप अराउंड विंटर ही यहाँ पर आएँ ताकि आप उन फ्लेमिंगोस बर्ड के ग्रुप को भी यहाँ पर देख पाएँ। यहाँ पर देखिए ये है एक टुकड़ा जो हमें इस पत्थरों से ही मिला है और ये वही पत्थर है जो बाद में बदलकर मेटामॉर्फिक रॉक बन गए। लकड़ी की आवाज़ है ना? इन सब चीज़ों के साथ साथ आप यहाँ पर खींच सकते हैं अपनी सेल्फीज, फोटोग्राफीज कर सकते हैं क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है, चारों तरफ व्यू बहुत सुंदर है। तो आप यहाँ पर अगर पिक्स लेते हैं तो आपकी मेमोरेबल पिक्स रहेंगी वो लाइफ टाइम। I'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when I've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through। तो ये थी हमारी आज की वुडन फॉसिल पार्क की विजिट। अगर आपको ये जगह पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर अपना ढेर सारा प्यार इस वीडियो को दीजिए। और लास्ट में इस विजिट को करने के बाद जो मेरा सजेशन है वो ये है कि आप जब भी कभी गुजरात आते हैं और धोलापुरा देखने जाते हैं तो इस पॉइंट को मिस मत करिए, जरूर यहाँ आइए, एक बार यहाँ विजिट जरूर करिए। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.